बिग बॉस के घर में मैंने कॉफी खोई और चाय बनाने का स्किल पाया। But of course, money man, I was very upset. I still am that I'm out और मुझे मेरे audiences को वो side ना दिखाने का मौका नहीं मिला मुझे। निशांत is a killer player. He is very sure कि उसे ये शो जीतना है। नेहा काफी चीजों में घुसकर रह जाती है। Well, ऐसा इनिशियली मुझे भी लग रहा था कि राकेश सिर्फ शमिता के बोलने पर चीजें कर रहे थे। What do you think went wrong and you got eliminated? Well, honestly, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ क्या। कि सेकेंड वीक के एविक्शन में मैं एलिमिनेट हो गई अलॉन्ग विद करण। बट आई थिंक ये शो का कॉन्सेप्ट है और यू गॉट टू रिस्पेक्ट। बिग बॉस के घर में क्या खोया क्या पाया? बिग बॉस के घर में मैंने कॉफ़ी खोई और चाय बनाने का स्किल पाया। You look quite happy while walking out of the house. Was that for real? Any regret of not meeting Salman? Oh my God! ये actually मेरे घर वाले भी बोल रहे थे कि क्या बात है तुम तो बड़ी हंसती हंसती बाहर आई। Well, मैं इंसानी ऐसी हूँ, मुझे लाइफ में मैं बहुत जल्दी हर चीज़ एक्सेप्ट करने में बिलीव करती हूँ। For my peace of mind, and in that moment I accepted that my journey over here is over. But of course, money man, I was very upset. I still am that I'm out और मुझे मेरे audiences को वो side ना दिखाने का मौका नहीं मिला मुझे और कितने सारे tasks perform करने थे। But yeah, I mean it wasn't planned. I'm sorry if I look too happy. I'm not. Your views on Nishant and Moose? Nishant is a killer player. He is very sure कि उसे ये शो जीतना है। He will not stop at anything. और भले वो मेरा दोस्त है but he used to be very clear कि जब वक्त आएगा टास्क का तो मैं दोस्ती वोस्ती सब भूल जाऊँगा। And there are a lot of people who function like that and Nishant is very clear about it. And Nishant and Moose have a very nice organic connection which is very well loved. घर में कौन सबसे ज़्यादा शातिर खेल रहा है और कौन सबसे ज़्यादा वीक? शातिर? शातिर तो सभी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, खेल नहीं पा रहे मेरे ख्याल से। वीक अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई मीन आई डोंट नो, आई फील नेहा काफ़ी चीज़ों में घुस कर रह जाती है। वो अगर एक पॉइंट पकड़ती है तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, जैसे कि मैंने एक बार डिप्लोमेटिक क्या बुला दिया था वो भूल ही नहीं पाई थी उस वाक्य को। सो आई थिंक दैट मेक्स यू अ वीक प्लेयर। सो आई वुड सजेस्ट doesn't make sense to get stuck on topics in Bigg Boss house. Do you think Rakesh follows Shamita? उन दोनों की personality पर आपको क्या लगता है? Well, ऐसा initially मुझे भी लग रहा था कि राकेश सिर्फ शमिता के बोलने पर चीज़ें कर रहे थे। But I know राकेश बहुत वक्त से and he has a mind of his own. वो दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे हैं and all my best wishes to them. Who do you think deserves to be in top 3 and who deserves to win the show? ये तो ऑडियंसेस के हाथ में है। मैं खुद शो का हिस्सा रह चुकी हूँ तो सही नहीं होगा मुझे ये गेस करना। बट आई डू लाइक द वे राकेश, शमिता, दिव्या, देयर ऑल प्लेइंग, सो यस।